हेलमेट पहना फीमेल आत्मा का हेलमेट अलाउड नहीं अभी। तू ऐसा है काम कर अपनी को हेलमेट पहना पुलिस डबल चलान काटेगी, एक पुलिस ऊपर से उसकी आत्मा, ठीक है? हाँ तो वो तेरा डबल चलान काटेगी और मैं तेरी दो दो बार तोड़ूंगा। दो बार क्यों तोड़ेगा? एक मैं तोड़ूंगा और एक मेरी आत्मा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना मेरी आत्मा बर्दाश्त करेगी। हाँ तो साले मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तो चाहता हूँ अपनी आत्मा की मैं शादी करवा दूँ यार। क्यों करवाओ? शरीर चले जाएगा आत्मा रह जाएगी। फिर आत्मा रह जाएगी, रिस्क है ना यार इस शहर में। अबे यार ये कितना बड़ा। एक सेकंड, आप टॉयलेट जाते हैं तो अकेले जाते हैं? अकेले जाते हैं, तुम्हारे यहाँ जोड़ियाँ बना बना जाते हैं। एक सेकंड, आखिरी चीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हेलो अंकल, मैंने सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड करवाया है। क्या सोनू को क्या करवाया? सोनू को नहीं, सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड। अच्छा, ये पता लगाने के लिए कि आखिर शरीर में आत्मा है कहाँ। सोने अपनी की अल्ट्रासाउंड करवा, मेरी आत्मा वही लगती है। अब मेरी बात सुन, मेरे को वापस फोन मिलाया। फोन तो क्या करेंगे आप? तो मैं एक लूंगा डंडा बहुत तगड़ा और उतना ही मोटा डंडा मेरी आत्मा लेगी और वो दोनों डंडे के साथ क्या करेंगे? अंदर से तेरी आत्मा जी के किसी निकालो। बहुत टाइम पास कर लिया। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहे भैया? शायद रॉन्ग नंबर है भाई, सॉरी। क्या? हेलो हेलो, क्या कह रहा है तू? मैं कह रहा हूँ ये रॉन्ग नंबर है भाई साहब। हाँ अरे फोन तूने किया, तू ही रॉन्ग नंबर बोल रहा है भाई साहब। मुझे लग रहा है तो मैं बोलूंगा ना, इसमें फोन करने ना करे नहीं किया बात है। अरे तो कैसे लग रहा है तो बताएगा? तेरी आवाज नहीं लग रही है ना यार, तेरी आवाज नहीं लग। ये क्या बात है, मतलब तेरे को आवाज से लग रहा है कि रॉन्ग नंबर है? नंबर दिख नहीं रहा तेरे को, नंबर क्या है? छोड़िए भाई साहब, रहन दीजिए आप। एक मिनट सुना। कट गया लगता है, वो कुछ कहना चाह रहा है, तो वापस लगाता हूँ। हेलो, अरे फोन कट गया, मैं काट दिया था। आप कुछ कह रहे थे भाई साहब? अरे मैं कह रहा हूँ तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है ये बता मेरे को। यार फिर वही बात। फिर वही बात का मतलब क्या यार? आपने फोन उठाया, मैंने आपको बोला रॉन्ग नंबर, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर रॉन्ग नंबर है तो सही नंबर है आप बोलोगे? मतलब अबे फोन उठाया था वही तो बोलता है रॉन्ग नंबर है कि नहीं है, तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है? तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर? भाई साहब आपकी आवाज ही नहीं पहचान में आ रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे को सब दिख रहा है। नंबर दिया था, वो नंबर नहीं दिख रहा, मैं रख रहा हूँ भाई साहब। वही कोई बातचीत पहले मेरी बात सुन। ओ शायद कुछ बात सुनने को कह रहा था, वापस लगाते हैं। एक मिनट, हेलो हेलो, आप कुछ बात सुना रहे थे, आखिर क्या बात होगी भाई साहब? बात यह होगी तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है बता। भाई साहब आप क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, रॉन्ग नंबर मैंने शुरुआत में बोल दिया और आप बोल रहे हो यार। फोन के अंदर घुस के ऐसे चमाट मारूंगा अंदर को। ये अब देखिए आप ना, वो कहते ना उससे बाहर नहीं जाना चाहिए इंसान को, किससे? औकात। हाँ औकात से बाहर जा रहे हैं भाई साहब आप। क्या औकात से बाहर जा रहे? एक सेकंड मेरी बात, आपको मैंने फोन लगाया, आपने फोन उठाया, मेरे को आप जानते हैं? नहीं जानता मैं तेरे को। मेरे नंबर को आप जानते हैं? जानता न मैं आपको जानता हूँ, ना मैं आपके नंबर को जानता हूँ, मेरे ना मैंने आपकी आवाज सुनी है, ना पहले हम लोग कभी मिले जुले हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये जो नंबर लगा ये कैसा नंबर लगा है? रॉन्ग नंबर लगा है वो तो मुझे पता है, लेकिन साले बताएगा तो मैं बताऊंगा ना रॉन्ग नंबर है कि नहीं। तो अगर एहसास मुझे पहले हो गया तो मैं नहीं बता सकता कि ये रॉन्ग नंबर है यार भाई साहब। अजीब बताता। अच्छा सुनिए सुनिए, अपने ईगो को मसाज दे दीजिए और बोल दीजिए कि ये क्या नंबर है। कोई भाई साहब टॉपिक देके कहते हैं कि अप्रैल फूल सिर्फ पहले दिन ही क्यों मनाते हैं, पूरे अप्रैल में ही फूल बना सकते हो आप। इस पर मैंने किनको कॉल किया और उन भाई साहब से कैसे हमने मस्ती करी जरा सुना दे आपको। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा भाई? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई बताओ? जनरली तो हमारे यहाँ मुँह से बोलते हैं। अच्छा अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ अप्रैल चल रहा पता। एक अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं, पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। अरे पूरे महीने का एक महीने। मैं बता रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? आज सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया। इसके अलावा मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा। हम लोग बीच पे गए। अच्छा। बीच पे लिखा था डूबते हुए को
मैंने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा। मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो मैं आके बचा लूंगा, 250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। सुन तो क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला सुनो मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा यहाँ रहेगा। ये उतने सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बड़ा बढ़िया है ना यार। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया। कल रहने रहने दिमाग सुन तो बताऊँ कैसे। बता बता जल्दी। वो आगे आगे मेरे से आगे आगे गाड़ी चला के जा रही थी। उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया। लेफ्ट दिया और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना तब बोलिया छोड़ दो भगवान छोड़ दो। अबे रहने इतने टाइम पास कर लिया मेरे, इतना तेरे पास काम होता है फोन रखे ज्यादा बात कर रहा है। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे काट दे। काट दिया नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा घंटा काटा है, काट दे। अब काटा है। हेलो आवाज ही नहीं, अब आ रही आवाज आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है आपको। स्वागत है बैरागी जी, मेरे साथ में बहुआ भाई साहब, एक बड़ी स्पेशल चर्चा होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नबी युवक। कौन है आप? आवाज कट रही है, हम लोग एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो समाज को आईना दिखाने का अपना दायित्व निभाता है। और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट। मेरा नंबर किसने दिया आपको? भाई हम कई नंबर लगाते हैं, जो लकी होता है वो बात कर लेता है। अब ज्यादा सवाल पूछिए, मैं वकील न बनी है भाई साहब। जरा यार सवाल तुम पूछ, फालतू को हमारे फोन नंबर किसने दिया आपको? 2 मिनट लगेगा, अगर राजी हो जाए तो बात तुरंत खत्म कर सकते हैं। बोलिए बोलिए। नगर निगम का चुनाव हुआ दिल्ली में तो काफी कम लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल भाई साहब, मैं क्या करूँ इसमें लोगों का कारण क्या था? मैं क्या करूँ बोल रहे, कारण बैरागी जी इस पर प्रकाश डालिए जरा, आखिर क्या बात हो गई? सबसे बड़ी वजह नगर निगम की चुनावों की जो 54% हुई आज की वजह जो है सबसे बड़ी सोनू निगम है। सोनू यार कौन? सोनू निगम कैसे हो गई है? ये वही है सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा वाले, क्योंकि जिस प्रकार से सोनू निगम का मुद्दा उठा हुआ था ट्विटर पर और पूरा जगत जानता था कि सोनू निगम ने किस तरीके से जो आवाज उठाई है। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? भाई साहब आवाज आ रही है तो हाँ हूँ करेंगे, परसों बात करेंगे, अभी लगा है ना फोन। हाँ हूँ करिए ना जरा। तो सोनू निगम की कंट्रोवर्सी का इससे क्या लेन देन है? पूरी जनता जो है दिल्ली की सोनू निगम के बारे में सोच रही थी, विचार कर रही थी। लेकिन अचानक मेरी बात सुन, कौन है तू? कैसे जानता तू क्या कर? एक सेकंड बैठा कि हाँ सोनू निगम निगम और दूसरा जो था नगर निगम। तो लोगों को लगा जब सोनू निगम की बात चल रही है तो हम नगर निगम की बात क्यों सुन। किस तरह सोनू निगम ने जो है सारी चीज अपनी तरफ ली और नगर निगम में बस करिए, लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया। सही कहा। और ये आदमी गंदी बात कर रहे तू, गंदी बात दे रही है। इसका नाम अपना, इसका नाम क्या बैठा? नेपट्यून कालड़ा हमारे साथ। आप नेपट्यून कालड़ा है? ग्रहकारी। नंबर किसने दिया? बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी बुडापेस्ट के जवान नगर में सेक्टर 4 की पहली कोठी की दाईं तरफ। क्या बात है। छत पर सुबह कपाल भाती करके तरह तरह की आवाज से डराने वाली योगिनी तरन्नुम कहती है युगाइजर एफ से रॉकिंग हो। तरन्नुम जी योगा जी होगा, सांस ढंग से लिया करो, पर एफ से रॉकिंग नहीं होगा। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो हाँ जी जी, मैं बहुआ बोल रही हूँ, क्या हाल है जी? हाँ जी हेलो। हाँ हेलो भाई साहब, एक सेकंड आवाज कट रही थी। हेलो जोर से बोलो। हेलो हेलो जोर तो रहा हूँ, हेलो हेलो और क्या है? लगता है सुनाई नहीं, मैं वापस मिलाता हूँ काट के वापस में। देख देख बड़ो हेलो भाई साहब जोर से बोलो। अरे कह रहे हो भैया के बोल तो रहा हूँ, हेलो हेलो। आप समझे नहीं भैया? अरे समझ रहा हूँ मैं, बस जोर से बोलो। कितनी जोर से बोलूं? जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोलो, सब हमारी वैसी पहुंचे अपने बिना फोन से। आप समझ नहीं रहे, एक आखिरी बार फिर से मिला रहा हूँ। हेलो जोर से बोलो।
अरे जोर से तो बोला, कितना जोर पूरा था तो दम लगा रहा बोल, हेलो हेलो बोल रहा है, समझ नहीं रहा तू। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, भगवान जी का आशीर्वाद रहता है तभी आदमी कुछ कर पाता है जिंदगी में, है कि नहीं? बिल्कुल हाँ, ये तो पक्की बात है। तो फिर उसका नाम भी तो जपना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जपना चाहिए, बिल्कुल जपना चाहिए। तो नवरात्रि चल रहे, इतने टाइम से कह रहा हूँ जोर से बोलो और आप चिल्लाए पड़े हो। अरे जोर जो नवरात्रि चल रहे, जोर से बोलो, पागल है तू क्या? एक सेकंड, अब मैं देखो आप समझ ही नहीं, एक मिनट मैं यहाँ पे पूछता हूँ। ओ भाई साहब जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। अरे मिल के बोलो, जय माता दी। भैया जी बोलो, हेलो हेलो, जोर से बोलो, हेलो हेलो हेलो। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे जय माता दी बोल, जोर से बोलो, जय माता की, जय माता की, यही बोलना था। साइड बोलो, जय माता की, फिर से बोलो, जय माता की, जय माता दी, जय माता की, बस। हेलो हेलो हेलो, बंद कर, बंद कर, बंद कर। 93.5 FM बहुआ बोलो, बजाते रहो, नवरात्रि की शुभकामनाएं, जोर से बोलो, जय माता दी। हेलो हेलो, थोड़ी गड़बड़ आ रही आवाज भाई साहब। अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं कह रहा था मैं बहुआ हूँ, लेकिन कौन से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है दुनिया? काम क्या है आपको? काम ये है कि किस चीज का महत्व है, लोग पूछते किस चीज का महत्व है। अरे भैया बात कैसे करनी तुमको? देखिए करनी तो मुझे जनता से, पर कोई कोई फोन उठा के बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई गंदा बोल रहा है। आप अगर 2 मिनट दे दे तो मैं काम की बात करके फोन रख दूं। पूछना नहीं, कहना है मुझे कि महत्व तो किस चीज का है। खेल में क्रिकेट का, शरीर में पेट का, और कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का बड़ा महत्व है। बताओ आगे। आगे बताऊं, व्यापार में घाटा का, हेलो, लड़ाई में चाटा का, किचन में आटा का बड़ा महत्व है। बारात, मेन टॉपिक यही है कि बारात में दूल्हे का और रसोई में चूल्हे का बड़ा महत्व है। ससुराल में जमाई का, परदेश में कमाई का, जाड़े में रजाई का और दूध में मलाई का बड़ा महत्व है। अबे तुम बता दो क्या महत्व है, ये तमाचा मारूंगा। एक सेकेंड, सलाद में मूली का, फूल में जूली का, सजा में सूली का और स्टेशन पे कूली का बड़ा ही महत्व है। अबे ये तो बता महत्व कहाँ? गलत बोल रहे, सब्जी में आलू का, बिहार में लालू का, नदी में बालू का, जंगल में भालू का बड़ा ही महत्व है। पकवान में पूरी का, रिश्तों में दूरी का और रसोई में छुरी का क्या है भाई साहब? एक सेकेंड, आप क्या गलत क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट रुक, मैं बताता हूँ क्या बता रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? क्या बात है, देश के लिए झंडे का और मेरे जैसे के लिए डंडे का, लेकिन डंडे का करेंगे क्या आप? सड़क तो घूमने वाली सांप का और डंडे के कूदने वाले, मैं जानता हूँ आप यही कह रहे हैं, बड़ा महत्व। गलत गलत आदमी, 93.5 FM बजाते रहो बहुआ बोलिए। हेलो हेलो जी, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन जी? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। किसको नंबर डायल किया आपने? आपको नंबर लगा है भाई साहब, मैं एक चीज कह रहा था। बताओ क्या कह रहे थे? जिंदगी में कुछ चीजें थोड़ी अलग होती है, तो हर बात एक तरीके की नहीं होती, कुछ अलग बात होती है। जैसे मैं गार्लिक नहीं खाता हूँ, तो मैं क्या करूँ उसमें? लेकिन गार्लिक ब्रेड खाता हूँ क्योंकि वो अलग बात है। भाई तू गार्लिक नहीं खाता, गार्लिक ब्रेड खाता तो गार्लिक ब्रेड में तो गार्लिक ही होता है। एक सेकेंड, चिकन नहीं खाता हूँ मैं, लेकिन उसकी ग्रेवी चल जाती है क्योंकि वो अलग बात है। भाई तू बड़ा चीज़ नहीं है क्या? दोनों चीजें गलत नहीं बोलेंगे आप? तू देख, तू गलत नहीं है, लेकिन ये तू गलती कर रहा है, ये अलग बात है। नॉट बैड, नॉट बैड। मैं पुराने मोजे नहीं पहनता। क्यों, मैं क्या करूँ फिर? पहन लेता हूँ क्योंकि अलग बात है। भाई साहब क्या बात है, क्या बात है। मैं रोज टीवी नहीं देखता, पर कभी कभी सूर्यवंशम जब भी आती है देख लेता हूँ क्योंकि वो अलग बात है। अच्छा, अब ये बता तू नई बात क्या है इसमें? मैं तो मीठा नहीं खाता, मेरे को डायबिटीज है, लेकिन चॉकलेट चल जाती क्योंकि वो अलग बात है। वो भी अलग बात है। बहुत बढ़िया तू। मैं तो पता है, सुन, मैं ना तो सुनता नहीं हूँ, तेरे को सुन रहा हूँ मैं, क्योंकि वो अलग बात है। अलग बात। वैसे मैं नवरात्रों में फास्ट रखता हूँ, लेकिन कुट्टू के आटे की पूड़ी, दम आलू, थोड़ा सा गुलगुले, ठीक है, तिल की लड्डू, सलाद, साबूदाने की टिक्की, ये सब खा लेता हूँ क्योंकि ये अलग बात, अलग बात। रहो बिल्कुल ही तू। हेलो, गलत मत बोलिए आप।
भाई मैं वैसे गाली देता नहीं सुबह सुबह किसी को गिर जाते हैं तो उनको गाली देनी पड़ती है, वो अलग बात है। मैं डेली जिम जाता हूँ लेकिन हफ्ते में कभी कभी 6-7 दिन मिस भी कर देता हूँ, क्योंकि वो भी अलग बात है। वैसे तो कभी कुछ मैं तोड़ता नहीं हूँ लेकिन तेरे जैसे मिल जाए तो तोड़ देता हूँ, क्योंकि वो भी अलग बात है। वो चीज दर्द कर सकती है लेकिन टूट नहीं सकती, क्योंकि वो अलग बात है। अच्छा टूट नहीं सकती, अभी आइयो मिलियो बेटा छोड़ूंगा, अलग बात है। वैसे तो अक्सर लोग मेरा फोन कट करते हैं लेकिन आज मैं आपका करूंगा, क्योंकि ये अलग बात है। अरे अलग बात 93.5 FM, काफी अलग अलग बातें होगी, आप बजाते रहोगे। नमस्ते। हेलो भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है एक ऐसी चर्चा में। हेलो हेलो, जहाँ पर आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि, हमारे हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे कौन बोल रहा है भाई साहब? मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी आपसे 2 मिनट लेंगे, एक चर्चा होती है जिसके हेलो सुनने के लिए पूरा भारतवर्ष। अरे आपने मेरे को क्यों फोन लगाया? लेकिन भाई साहब हम लगाते हैं, कानों की दवा है हम, इस जहरीली दिल्ली में उम्मीद की थोड़ी हवा है। वाह बातों की बंदी के बाद हमारे साथ ये चल क्या रहा है? दुख बंदी भाई साहब एक सेकंड, हम बंदे हैं ना बंदी, एक मिनट बाद। हेलो जल्दी बोलो, जिंदगी क्या है ये सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी उफान मारता है, आपके भी मारे हो भाई साहब। बैरागी जी बताएंगे कि जिंदगी किसे कहते हैं और पता कैसे लगाएं कि जिंदगी क्या है। ये सवाल आज से बहुत सालों पहले एक शायर ने भी कहा है, जिंदगी क्या है अनासिर में जोरे तरतीब और मौत क्या है इन्हीं इंसान का परेशान। वाह भाई साहब, अरे कौन है भाई? अरे कौन है भाई? एक सेकंड मैं क्या कह रहा हूँ, जिंदगी क्या है जानने के लिए, मुरब्बे सुन, जिंदगी क्या है जानने के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक बुराई पीनी। सामाजिक बुराई मतलब मदिरा? मदिरा शराब। शराब पी के क्या होगा बेटा? शराब पी के वो घर जाएगा। घर जाएगा नहीं, पहले गिर जाएगा। शराब पी के गिर जाएगा, फिर उसे उठा करके शराबी को घर ले जाएंगे। हाँ। फिर घर वाले मुंह पे दो लगा कर पूछेंगे तूने क्यों पी, तो क्या बोलेगा शराबी? बोलेगा जिंदगी का मतलब जानने के लिए। अरे कौन है ये सुबह सुबह? शराब से बेहोश होके जिंदगी का मकसद कैसे जानेगा? क्योंकि बहुत बड़ी बात वहाँ पर फिर एक शायर ने कही है, होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज है। इसीलिए बेहोश होकर जिंदगी क्या चीज है पता करना चाह रहा था। अच्छा, यानी ब्रेड के दो स्लाइस के बीच में जो फंसी है वो है चीज। इसके कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज। भाई साहब मैं आगे फोड़ूंगा, देखो तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। गलत मत बता दीजिए, इनका नाम क्या है? रोटन बुखारा हमारे साथ। भाई साहब आप रोटन बुखारा हैं? सड़ा हुआ तू है रोटन बुखारा? क्या गलत बोल रहे हैं आप, पैसे नहीं माने सुबह आगे। ओके बैरागी जी, चिट्ठी इस बार की चिट्ठी टंजरीन घाटी के पेलमपुर तहसील में चाइनीज लड़ी पर मेड इन चाइना मिटाकर इंडिया लिखने वाली गलगली सिप्पी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम, बड़ी मेहनती 93.5 एफ से रॉकिंग नहीं होता बजाते। हेलो सर, ये आप सो तो नहीं रहे? कौन बोला? मैं बउआ भैया। भाई मैं सो रहा हूँ, पहचानता नहीं तेरे को भैया। अरे एक हेलो भाई साहब, हेलो एक हेलो। हेलो भाई साहब, सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फोन कट गया था। काटा था मैंने। अरे सॉरी, मैं कह रहा हूँ जल्दी बोल, धड़ाधड़ लोग पैदा हुए जा रहे हैं, धड़ाधड़ आप नींद मना रहे हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है आज। क्या करूँ, मैंने सोचा आपको फोन लगा के एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊँ, एक मिनट लगूंगा बस एक मिनट। 125 करोड़ सपोज अपना पॉपुलेशन है, उसमें से 25 करोड़ लोग रिटायर्ड हो गए, बचे 100 करोड़, उसमें से 30 करोड़ लोग समझ ली स्कूल में बच्चे हैं, बचे 70 करोड़, अब है निकल लिए। नहीं, नहीं, 70 में से 35 लोग एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के, उन 35 में से गए तो बचे 35, उन 35 में से सपोज 5 करोड़ जवान हैं जिन्हें हमारे सलाम है, उनकी क्या ही बात करें, बचे 30 करोड़, सुन तो, फिर इन 30 में से सपोज 10 करोड़ बेरोजगार हैं, बचे 20 करोड़, अब कुछ लोग तो बीमार होंगे, 20 में से गए 5, बचे 15 करोड़, आप हैं ना लाइन पे? भाई जल्दी बताया। एक सॉरी, हाँ 5 करोड़ बीमार बचे 15 में से 10 करोड़ लोग तो कम से कम आज से छुट्टी पे होंगे, बचे 5 करोड़, उसमें से 4 करोड़ लोग देश से बाहर ट्रेवल कर रहे होंगे सपोज, जिनमें से एक हमारे पीएम सर भी हैं, तो बचे 1 करोड़, अब एक रिसर्च के हिसाब से भाई साहब 99 लाख
99,998 लोग। हेलो, हाँ बोल, जेल में है? हाँ तो जेल में अब कितने बचे हैं? अब बचे दो लोग। दो कौन? तू और मैं। और हाँ। देख हम दोनों में से तू भी कितना फालतू आदमी, कोई फोन करके बोल रहा है और तू लगातार बात करते जा रहे। यानी एक सिर्फ मैं हूँ जो काम कर रहा हूँ पूरे देश में, इतना पॉपुलेशन, ओनली आई एम वर्किंग। गलत नहीं बोल रहे, तेरी कुछ नहीं। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। प्लास्टिक कहाँ का प्लास्टिक भाई? कहीं का भी हो, प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही होता है और उसका उपयोग अगर दिमाग से न, एक मिनट, या तो आप बोल दो या मैं, आप ही खत्म बोल ले। तो बोल ही तो रहा था, आप बीच में ट से टोक रहे हैं और भ से, सॉरी, प्लास्टिक का डंडा डाल दिया तेरे। मैंने भौंक बोला ही नहीं, वो तो आपने गेस किया, प्लास्टिक की बात कर रहा था। प्लास्टिक जो है उसका अगर दुरुपयोग किया तो आपकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, यही बता रहे, तो पूछो कैसे। अगर प्लास्टिक आपने फेंका तो उसको हो सकता है कभी मुर्गी खा जाए, अगर मुर्गी अच्छा। मुर्गी प्लास्टिक खा लेगी। एक बात बताइए, कौन सी मुर्गी प्लास्टिक खाती है भाई? पूरी दुनिया में इतनी मुर्गियां हैं, सबके पीछे तू और मैं लग सकते हैं, पता नहीं कौन सी खाती होगी। तूने देखा खाते हुए? तूने देखा नहीं खाते हुए? हाँ नहीं देखा मैंने, बता। तो मानने में कुछ जा रहा है आपके पिताजी का? मेरे बाप का जा रहा है मानने में। भाई मैं बाप नहीं बोल सकते, इसलिए पिताजी सुनो ना, अगर सपोज मुर्गी ने सपोज प्लास्टिक खाया, वही मुर्गी को आप खा लोगे तो वही मुर्गी का प्लास्टिक आपके पेट में, आप खत्म हो गए, आपको जला दिया, दफना दिया, चाहे जो भी हो, फिर आपके जाने के बाद भी वो प्लास्टिक दफन नहीं होता, वो प्लास्टिक नहीं गलता, डीकम्पोज होने में उसे सालों लग जाते हैं, तो जब तक प्लास्टिक डीकम्पोज नहीं होगा तब तक आपकी आत्मा भी प्लास्टिक के अराउंड भटकती रहेगी, तो क्यों प्लास्टिक बेकार में आओ खत्म। आप गलत बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ पता नहीं क्या प्लास्टिक, इतना सुनिए, इंसल्ट करने वाले के मुंह पे फोन पटकता हूँ मैं, पर क्या करूँ, ठीक है तेरे मुंह में फूंक दूंगा बलगम वाला। गलत बोले आप, गलत बोल लो, फोन करके अब तक आपको इतना प्रॉब्लम था तो आप रख देते फोन, आप खुद ही तू रख देना फोन, क्यों करा तूने, तू रख दे। तूने मुर्गी प्लास्टिक नहीं खाते हुए हैं? तूने देखिए खाते हुए तो दोनों ने देखी की तो मान ली। अच्छा बता पहले मुर्गी है अंडा? गलत बोल रहा है, बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते, हेलो, रेड एफ एम बजाते हेलो। अरे फोन उठा के क्या बोलते हैं? बोल रहा है क्या बोलते हैं? हेलो हेलो, हाँ हेलो जी नमस्ते। हेलो नमस्ते, कौन? वो होते ना बहन जी का उल्टा क्या होता है, बहन जी का भाई? भाई हाँ, भाई साहब नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। ठीक से बोल रहे, कौन है? वो एक के बाद क्या आता है, वन के बाद? एक के बाद दो आता है। दो मिनट चाहिए था आपसे एक्चुअली। अरे लिसन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुनो सुनो भाई साहब, एक मिनट यार, आप मान नहीं रहे। भाई क्या जा रहा है, जा रहा पहले बात कर ले। नहीं सुनिए तो मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या चाहिए तुझे, जल्दी बोल जल्दी। अरे भाई बोल भाई। भाई बड़ा ही है यार, क्यों टाइम पास कर रहे हो? आप मुझसे वो मत करिए भाई साहब, बदतमीजी। हाँ वरना अगर समझे तो तू कर रहा मुझसे। अगर मैं अपने पे आ गया ना तो फिर आपकी मैं क्या, आपकी क्या खटिया खड़ी कर देगा? अरे वाह संस्कारी हैं आप, आपने सिर्फ खटिए का सोचा, अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो कहता। वो शैतान आपके अंदर जमा है पर आपने उसको रोका, इसी बात के लिए मैं आपको वो करता हूँ, क्या करता हूँ, हम करते हैं ना 15 अगस्त 26 जनवरी पे सैल्यूट करना भाई। तू मुझे मिल एक बार मेरे सामने आ, मैं अंदर वो डाल दूंगा तुझे पता है। वो क्या? वो होता नहीं है क्या, पर जिससे तंबू बनता है? अच्छा बांस, बांस डाल दूंगा। एक सेकंड, वो कहते हैं ना कि व्यस्त हूँ आज बहुत, मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्यस्त को
बिजी हूँ तो मैं भी बिजी हूँ भाई साहब। वो बांस आप अपने लिए यूज करिएगा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आपको मिल नहीं पाऊंगा। क्या बोलते हैं बस है, हाँ बजाते रहो। थैंक यू। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अंकिल जी मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं कौन बोल, वो तो आपको पता है आप कौन बोल रहे हैं। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मैं कौन बोल रहा हूँ? तो मैं तो तू बोल रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो तू क्या तू मैं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अरे वो तू तो बोल रहा मैं बहुआ बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ तो भाई साहब ऐसे बकवास मत करिए वरना चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। चार लोग और क्या करना है? देखो मतलब मैं बचपन से सुनता ए बहुआ ऐसा मत कर, चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, मेरे को ये समझ नहीं आता भाई साहब। हेलो बोल। ये चार लोग हैं कौन, रहते कहाँ, क्या करते हैं, क्या ये चार लोग कमाते हैं, ये वेज खाते हैं नॉन वेज खाते हैं, इनके पास गाड़ी है बाइक है? मेरे को लगता है बाइक नहीं होगी भाई साहब, गाड़ी होगी क्योंकि चार लोग एक साथ देख रहे हैं। क्या ये चार क्या कर रहे हैं, मतलब ये चार लोग क्या एक साथ देखते हैं अलग अलग देखते हैं? देखने के साथ क्या ये चार लोग रिकॉर्डिंग भी करते हैं? मैंने दुनिया का ठेका थोड़ी ना लिया है। नहीं आप बताइए ये लोग नेशनली ऑपरेट करते हैं इंटरनेट? फॉर एग्जांपल मैं श्रीलंका में जाके कुछ करूं तो ये चार लोग क्या वहाँ भी देखेंगे? भाई साहब सुनिए, क्या इन चार लोगों ने संजू भी देखी थी? अगर इन लोग चार लोगों ने देखी थी? नहीं, मैं संजू देखने के लिए लास्ट सीट पे बैठा था भाई साहब सुनिए। उस सीट पे सिर्फ दो लोगों का रो होता है, महंगा होता है, थोड़ा रिक्लाइनर टाइप का, पैर भी उठ जाता है। तू घुस जाना उसके हॉर्न में, तू ही बोल रहे हॉर्न को बोलने दे, बजाया जा रहा है पीछे। साले जब हॉर्न कोई और बजा रहा है ना, तू पता नहीं कौन है, तू बगली नहीं हट सकता, कोई और बजा रहा है, बड़ा बोल रहा है। अब चुप हुआ ना, देखा डांट खाने की आदत है तुम लोग को। सुनिए तो जो संजू देख रहा था तो दो सीट पे बैठा था मैं, दो ही लोग का जगह है। अच्छा, अगल बगल कोई नहीं था, फिर ये चार लोग कहाँ देख रहे थे कि मैं देख रहा हूँ संजू? अच्छा सुनिए, ये चार लोग में से अगर कोई एक बीमार हो जाए तो क्या तीन लोग देखेंगे या उसको इंतजार करेंगे जो बीमार है? अगर सुनिए, चार में से अगर कोई एक की डेथ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो किसी एक को रिक्रूट करने के लिए, हायर करने के लिए क्या प्रोसेस है भाई साहब? आपको गलत नहीं बोलना चाहिए, जानते क्यों? क्यों? क्योंकि वो चार लोग आपको गलत देखते हुए बोलेंगे तो क्या सोचेंगे? आप ये सोचेंगे ना गाली दे रहा हूँ। गलत आदमी है आप, किसी से नफरत मत करिए, पता है क्यों? क्योंकि अंत में आपको कंधे पर चार लोग ही ले जाने भाई साहब। प्लीज स्प्रेड लव नॉट हेटरेट। 93.5 डेट एफएम बजाते रहो, मैं बहुआ बोल। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज तो बोल। हेलो, हाँ बोल। अजी मैं कह रहा था, मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, एक मिनट चाहिए था आपका, कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो, हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी तकलीफ में आ रहे हैं, लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ दो तीन चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। हेलो हेलो, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे। उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर। एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए, एक और है, आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से। अच्छा। जैसे एसी ठंडा करेगा आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं, पुलिस आएगी, पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे पसीने छूट जाएंगे गर्मी। गंदा क्यों बोल रहे हैं? गंदा नहीं होगा, लकड़ी आग जलाएंगे, लकड़ी लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें लकड़ी मत जलाएं भाई साहब, पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है, 50-100 होंगे। हाँ ठीक है।
अब मैं बताता हूँ, 5,500 याद रखना ठीक है। अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा। अच्छा। पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे। अच्छा। फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। अच्छा। और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है। गलत बोल रहे हैं आप, लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड सोना पड़ता है, ठीक है। तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो, लकड़ियां बोल लकड़ियां। ओके भाई। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? मैं बबुआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए। अरे बोल तो रहा हूँ। शादी हो गई है? हाँ हो गई है। क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही, वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो, एक मिनट, तो मैं एक सलूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है जल्दी तो पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ को मैं बताता हूँ। देखिए जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी है, तो पड़ोसन को देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए, कभी हाय कर दीजिए, कभी एक SMS कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए। किसको? पड़ोसन को? हाँ। क्या मरवाएगा क्या? नहीं नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी है उससे? अलग पड़ेंगे। सोचिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अबे तो उसके घर पे जाएगी तो महाभारत का उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभालिए अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही है। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ। फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए, सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए भाई साहब। अरे सीधे सीधे बोल रहा है। हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती है? अब जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी, अपनी बीवी को ही गिफ्ट दो। हेलो, बी अ वन वुमन मैन। अरे बी अ वन वुमन मैन। चलो फोन रखो, गलत आदमी, पहले सुन के तो बड़ा दे रहा है। फोन रखते हैं। नमस्ते बबुआ, बोले रेडियो पे बजाते रहो। हेलो हेलो हेलो, कौन? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन? बड़ी आलस आ रही है भाई साहब, इतनी लंबी छुट्टियों के बाद। कौन? मन नहीं होता भाई साहब कुछ करने का, कुछ बोलने का, ऐसे पड़े रहे बस। अब तो पड़ा रहे, लेकिन है कौन? तो कौन बोल रहा है? ये बताने का भी मन नहीं हो रहा है, वैसे तो मैं बउआ बोल रहा हूँ, चलो बता दिया, पर कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। तो कुछ करने का मन नहीं हो रहा तो फोन क्यों किया मुझे? अगर कुछ करने का मन नहीं है तो फोन क्यों किया मुझे? ये भी बताने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अबे तो क्या? अब हाँ या ना बोलने का मन नहीं कर रहा भाई साहब। देखो आके वही झापड़ लगाऊंगा ना, 2-4 तब फोन कर जाएगा। अगर आप झापड़ लगाओगे ना भाई साहब, तो मैं रोकूंगा नहीं, पता क्यों? क्यों? रोकने का मन नहीं कर रहा भाई साहब। अबे वो पागल हो गया तू भाई साहब? पागल कैसे हो सकता हूँ मैं? क्यों? क्यों पागल होने का मन नहीं कर रहा भाई? भाई साहब सर अगर तोड़ोगे तो खून निकलेगा, तो फिर अस्पताल भी आप ही को ले जाना पड़ेगा, पता है क्यों? क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा भाई साहब अस्पताल जाने का। अबे तो हो जब आप अस्पताल ले जाओगे फिर डॉक्टर मेरे को पूछेगा अरे लगी कैसे, मैं बोलूंगा इनसे पूछो, पता है क्यों? क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा बताने का, ये लगी। फिर आप फिर आप बोलोगे मैंने इसको सर तोड़ दिया, फिर वो पुलिस बुलाएंगे, पुलिस मुझसे पूछेगी, तो फिर पता है मैं क्या बोलूंगा? हाँ तो वही बोलेगा कि मन नहीं करेगा। नहीं मैं बोलूंगा इसने फोड़ा है, इसको पकड़ लो। अच्छा मतलब पुलिस के सामने तू मेरा नाम लेगा, वैसे तो मन नहीं करेगा किसी भी काम में। बस आप आगे मन नहीं करेगा भाई साहब, ठीक है? भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप, सुनिए ना प्लीज, आप फोन काटिए क्योंकि मेरा फोन काटने में मन नहीं हो रहा भाई साहब। 93.5 रेड एफएम आगे बजाते रहो, बोलने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अंकिल नमस्ते बउआ बोल। हेलो ऐसी तो बात ही नहीं है। हेलो
हेलो भाई साहब, स्वागत है आपका। जी कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ, मेरे साथ एक एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नव युवक। आप जैसे एक होनहार पीरवान के हो चीखने पर जोड़ रहे हो भाई साहब मुझे। आपको जोड़ने एक चर्चा में जो हर हफ्ते होती है, जहाँ पर हम एक विषय को उठाते हैं और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, और आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है जी, कि आप अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। बैरागी जी, देखिए टॉपिक यही है कि विडुष्का के साथ, विडुष्का से क्या समझते हैं? अरे यार अभी विराट कोहली और वाह। तो बैरागी जी उन तमाम ऐसे स्पेशल अतिथियों में से थे जो वहाँ नहीं जा पाए। तो बैरागी जी, आप जब वहाँ नहीं जा पाए, अगर आप जा पाते तो वहाँ क्या गिफ्ट तोहफे में क्या देते? देखिए तोहफे में मैं उनको स्टार्टअप का एक आइडिया देता। भाई साहब मेरी जरूरत है, मेरी आपकी जरूरत है, एक सेकंड। स्टार्टअप का आइडिया? क्या स्टार्टअप का? देखिए जिस तरीके से जिसने भी ये हैशटैग बनाया विडुष्का, विडुष्का, उसमें बहुत बड़ी चीज जो कि हमने ही पकड़ी से, मतलब उनको दिल्ली आने के बाद एक बहुत बड़ा काम शुरू करना है, होटल का काम शुरू करना। होटल में वो क्या बनाएंगे? होटल में कोरमा का बहुत बड़ा काम। कोरमा क्यों आगे? विडुष्का का कोरमा। मैं समझ नहीं पा भाई, आप समझ रहे? नहीं मैं नहीं समझ, ये भी नहीं समझ पा। मैं भाई पूछ रहा हूँ, मेरी एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, गलत ना बोले। विडुष्का का कोरमा जिस तरीके से अनुष्का विडुष्का जो बनाया गया है, विराट का बीरू लेकर अनुष्का का अनुष्का लेकर बनाया गया है, इसी तरीके से उनके जो सरनेम है, कोहली का को और शर्मा का आर्यम का रमा, कोरमा जो है अच्छा वो मैं इसकी दुकान होगी, बहुत ही चलने वाली दुकान दिल्ली में, विडुष्का का कोड में इडली वाले, इडली वाले। वाह भाई साहब, आप गलत ना बोले। आपका नाम है नदारत सक्सेना हमारे साथ। आप नदारत सक्सेना है भाई साहब? मैं नदारत वगैरह गलत ना बोले। फोन कट गया बैठागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ जाएगी? इस बार की चिट्ठी डबलिन के मलक्कूपुर में मंगलवार के दिन नाखून काटकर अपनी मम्मी से गुद्दी में चपेड़ खाने वाली इल्सी वलोरी कहती है, गाइस दैट्स ए रॉकिंग ऑसम। मंगल को नाखून नहीं काटते। अभी नाम पे गई है कि इल्सी हुई है, रेड एफएम पर बजाते रहो, एफ से रॉकिंग घंटा ही होता है। हेलो नमस्कार, आपकी आवाज से लग रहा है शायद थोड़े थोड़े नींद में है। मैं बउआ बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बात कर देना भाई साहब। हेलो, हेलो, कॉल ड्रॉप बड़ा होता है आजकल, हमारा भी हो गया था। अरे यार मैंने कहा था थोड़ी देर बात कर लेना, थोड़ी देर भाई साहब। भाई साहब हेलो, हेलो भाई साहब, कॉल ड्रॉप बार बार हो रहा है, मतलब अबे तूने क्या बोलना। सॉरी, एक मिनट लगेगा ना, बोल रहा था मैं बस, ज्यादा नहीं बोल। बहुत हमारा जो नजर है ना, हमारी जो नजरिया है वो बदल चुका है समाज के साथ। हूँ क्या, हम जो भी सवाल सुनते हैं उसका जवाब सिर्फ एक ही एंगल से देते हैं। अरे तो मेरे से क्या कहता है, मेरा तो नजरिया भी फोन नजर है। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, जैसे कि बेटे ने माँ को फोन पे बोला, मम्मी हम 2 से 3 हो गए। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे उसके बच्चा हुआ होगा और क्या होता। नहीं, इसका मतलब ये है कि उसकी बीवी दूसरे आदमी के साथ भग गई, तो 3 हो गए ना। एक सेकंड रुकिए, जब अमेरिका में लाइट जाती है तो वो लोग पावर ऑफिस में फोन करते हैं, जापान में जब जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं, इंडिया में जाती है तो, इंडिया में भी तो बाहर फोन करते हैं, फोन नहीं करते, वो बाहर जाके देखते हैं कि सबकी गई या नहीं गई है लाइट। अरे एक बार एक लड़के से मैंने पूछा कि तुम टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? अच्छा, कहता है बजरंग का। अच्छा, मैंने कहा टूथब्रश? कहते हैं वो भी बजरंग का। हाँ, मैंने कहा फेस वॉश? कहता है वो भी बजरंग का। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अरे कोई होगा यार नया ब्रांड। ब्रांड नहीं, उसका रूममेट था बजरंग, उसी का यूज करता था। अरे तुम्हें तो बोलिए, रुक जा मेरी पास फोन। हाँ जी, तेरी शादी हो गई? शादी नहीं हो गई। वो कौन सी चीज है जो पति की हो सकती है लेकिन पत्नी की नहीं हो सकती? पति की हो सकती है, पत्नी की? अच्छा, पति का पता नहीं, आप ही बता दो। गलती ओ मैं बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड एफएम। अंकिल नमस्ते। हेलो, हाँ कौन? बउआ बोल रहे भाई साहब, नमस्ते। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता।
अरे भाई कौन सी बातें कर रहा तू बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। इसे फोन लगा, एक मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा, क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? एक सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने मेरा पंजा और मामा हो गया, गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं, बताओ मैं क्या करूं। वो दुखी बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। अरे भाई साहब क्या करे बताइए मामा जी। वीक ले ले हैं, ले ले वीक। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला अबे पोटली? अबे शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 FM बजाते रहो, पर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। हेलो, ये जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार जी, मैं से बात कर रहा था, मेरा नाम बबुआ है, मैं आपका जी बात कर रहा हूँ। बजट जो आने वाला है उसके सिलसिले में आपने अपने सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक पर, काफी लंबा चौड़ा लिखा है कि आपसे सरकार सुझाव ले, तभी जाकर आप संतुष्ट होंगे कि बजट क्या पेश किया जाए। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलो, थोड़ा आराम से, समझ नहीं पा रहा। हाँ मैं ही कह रहा हूँ, आप अपने सुझाव देना चाह रहे थे, क्या ये सही समय होगा बात करने का? हाँ जी बिल्कुल सही कर लो। अगर आपको हिंदी में बात करनी है तो एक दफा, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश प्रेस टू पंजाबी विच गल करन लई 10 दबाओ। क्या दबाया जी आपने? हाँ जी। क्या जो दबाया है उसको बोलना भी पड़ेगा ना भाई साहब? हाँ तो बोल, एक दबा दिया। हाँ तो क्योंकि हमको दिख तो रहा नहीं है। अच्छा, तो आप जो दबाए उसको बोलने भी कि एक दबा रहा हूँ तू। अच्छा, प्रैक्टिस कर लो, बोलो एक दबा रहा हूँ, एक दबा रहा हूँ तू। तू नहीं, आपको दबाना है, तू मुँह से बोल रहे हो, मैं तू। भाई साहब दबा तो दिया है, क्या ड्रामा कर रहा है, जो बात करने वो बात करना। माफी चाहूंगा आपसे मैं, आपने हिंदी बताया, दबाया है तो मैं हिंदी में बात करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो एक दबाए, बढ़ी है एक दबा दिया। अगर आप चाहते हैं कि फल और सब्जी के दाम 25 पैसे से 50 पैसे कम हो तो एक दबाए, नहीं चाहते हैं तो दो दबाए। ठीक है बढ़े एक दबाता हूँ, कम हो जाए, कम। अगर आप चाहते हैं पेट्रोल का प्राइस 98 से कम हो जाए, डीजल भी 1 रुपया कम हो जाए, तो आप एक दबाए, वरना दो दबाए। एक दबाता हूँ। आप बिजनेस करते हैं, आपका दुकान है तो एक दबाए, अगर आप जॉब करते हैं तो दो दबाए। एक ही दबाऊंगा मैं। अच्छा आपकी दुकान है? हाँ जी। अगर आपके पास 2 से 3 गाड़ियां हैं तो एक दबाए, अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है तो दो दबाए। 3 गाड़ियां हैं, एक दबा देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी औकात आपकी आवाज के हिसाब से नहीं है तो एक दबाए। अगर आप इनसे बात करना, मेरी आवाज औकात की क्यों जा रहा है? आप अगर महीने में, हेलो, हाँ जी, आपकी दुकानदारी 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं तो एक दबाए, अगर 20-25 हजार ही कमा पाते हैं उससे कम तो दो दबाए। कमा लेता हूँ भाई मैं 1.5 लाख रुपए, एक देता हूँ। अब अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो एक दबाए, झूठ सुनना चाहते हैं तो दो दबाए। अच्छा सुन लूंगा मैं तो। अब आप सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए, 1.5 लाख रुपए कमाते हैं फिर भी 98-54 के लिए चिंदी चोरी कर रहे हैं, और किसी और इंसान से हम बात करते जो थोड़ा सा कम कमाता है उसका सजेशन लेते तो बात अलग होता है। औकात आपकी लग नहीं रही है कि 3 गाड़ियां हैं फिर भी आवाज से इतना बन रहे हैं? भाई ढंग में बोल, मेरी मत पूछ, औकात बहुत है मेरी, मेरी बात औकात है मेरी तो है कौन। आपको सच सुनना था, आप ही ने एक दबाया था इसीलिए मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तू फोन का नहीं होता तो लात मार मारे, मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। सच सुना जा रहा है तो एक दबाए, सच नहीं सुना जा रहा है तो लाल बटन दबाए फोन का, काट दे फोन। 93.5 FM बहुआ बोलो, बजाते हैं। सॉरी सुबह सुबह किया तो आवाज भी कट रही है, मैं बहुआ बोल रहा था, थोड़े रेंज में अजी आवाज अभी भी कट रही है भाई साहब। अबे तूने लैंडलाइन पे लगाया है, फाड़ लूं क्या अपना? अच्छा लैंड, सॉरी मैं कह रहा था। हेलो, हाँ हेलो। अक्सर जो लोग कुछ कर पाते हैं दुनिया में वो अपनी बढ़ाई बचियाने के लिए कहते हैं कि ये मेरी उंगलियों का खेल है, दुनिया को उंगली पे ना चाहता हूँ। तो मैं भी ना चाहता हूँ अपनी उंगली पे। आप भी ना
हेलो, तो तेरे को मेरे से क्या लेना देना? नहीं तो आप भी ने बोला ना, आप भी। ओके बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।